वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। ग्रुप में मैसेज कर दें B1 और B2 वालों में, बल्कि मेनली तो ठीक है सर, B2 वालों को ही बताना चाहिए। हाँ, मैसेज दोनों हो में गया हुआ है, कर बता दिया हुआ देते है हैं सर। स्टार्टेड। ठीक है सर। चलें जी, सुनाया आ गई है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो आज हमारा जो है वो ग्रामर का होगा इंशाल्लाह लेसन, और टाइम बचेगा तो फिर हम वर्कबुक पे भी चले जाएंगे। दोनुश्लु फील आज हमने डिस्कस करना है, और इसके अंदर दोनुश से भी कुछ अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन आप आगे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो उससे मज़ीद आपको पता चलेगा। 20 जुमले दे इशी यपान इले इश्तैन एतकिले नैन आईनी किशी से वोले फीलरे दोनुश्लु फीलर देनिर। का मतलब, एक जुमले के अंदर काम करने वाला और काम से इफेक्ट होने वाला पर्सन अगर सेम है, तो ऐसी सूरत में जो फील इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? दोनुश्लु फील। इसमें आगे हम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम एदिलगैन भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट को जाहिर किए बगैर काम का जिक्र करेंगे, तो उस चीज़ को कहेंगे एदिलगैन। ठीक। और एतिरगैन भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है वो किसी से काम करवाना हो। एक के अंदर यहाँ पे तो सब्जेक्ट को जाहिर भी कर रहे हैं ना, ठीक है, और जो एदिलगैन है उसके अंदर सब्जेक्ट को जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन काम करने वाला बंदा वही है जो उससे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसको हम सब्जेक्ट को जाहिर नहीं कर रहे कि कौन है सब्जेक्ट। मानी से समझ आ जाता है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे है सेवगी है सरहात है, इस तरह करके हम उस चीज़ को वो जाहिर नहीं करते। और एतिरगैन के अंदर पैसे आगे वो आएंगी आगे आएगा। सारी चीजें। हाँ जी, ये आगे एदिलगैन और एतिरगैन जो है, एदिलगैन तो सेकंड चैप्टर के अंदर है और एतिरगैन जो है वो थर्ड में, तो इस चीज को हम जो है वो आगे जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते हैं। अब इसके अंदर ये चीज आप नीचे जाके नोट करेंगे, यहाँ पे वैसे तो लिखा हुआ है कि दोनुश्लु फील के अंदर हमने क्या करना है, अन या अल, यानी अ के साथ फोर वे वॉवल हार्मनी, अ के साथ फोर वे वॉवल हार्मनी, ने और ले का इस्तेमाल करेंगे। ये ने का और ले का इस्तेमाल वो कहते हैं कि आपने उनके साथ इस तरह से इस हालत में उनके साथ करना है जो लास्ट लेटर जिनका कॉन्सोनेंट होगा, उनसुज इले बितैन जो होंगे उनके साथ हमने करना है। लेकिन अगर आपकी फील जो है वो आ ए पे ख़त्म हो रही है, तो ऐसी सूरत में हमने आगे जस्ट ने लगा देना। ठीक। आ ए पे या इवन इसको ऑप्शनल में वॉवल भी कह सकते हैं कि जस्ट वॉवल पे एंड हो रहा होगा तो भी हम ने ही लगा देंगे, आ ए मेनली। और अगर जो है लास्ट लेटर वॉवल होगा, जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको कहूँ तो तशमक है यहाँ पे, इसके अंदर लास्ट लेटर जो है वो अ है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आ ए ही हो,
वॉवल भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में हम ने ही लगाएंगे। अगर लास्ट लेटर वॉवल ना हो, मोस्टली आ ए होगा, लेकिन कुछ के अंदर जो फोर वे वॉवल हार्मनी के वॉवल्स हैं उनमें से भी कोई आ सकता है, तो उस सूरत में हम खाली ने लगाएंगे और बाकियों के अंदर जो है वो अन का या अल का इस्तेमाल करेंगे। और उसमें भी आप यहाँ पे नोट करेंगे कि मेनली जो है वो उनसुस के साथ अल का इस्तेमाल हो रहा होगा। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें फर्क क्या पड़ेगा। दोनुष्टु फीलर के अंदर यहाँ पे है सेवगी इश गोरुशमेसी इचिन खेंदी ने हाजर ली। और इश गोरुशमेसी का मतलब होता है जॉब इंटरव्यू, तो सेवगी क्या कर रही है, जॉब इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार कर रही है, खुद को तैयार कर रही है। जब हम दोनुष्लु फील लेयर में जाएंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी और उसकी जगह क्या होगा, ये फील जो है ये हाजर लामक है। एंड किस पे हो रहा है, आ पे, तो हमने क्या किया, सिर्फ ने लगा दिया, ठीक है। और आगे जिस जमान में भी हो ना, उसी जमान में आगे बात को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे शिमदी की जमान था तो यहाँ पे भी शिमदी की जमान, यहाँ पे गेचमिश जमान है तो यहाँ पे भी गेचमिश जमान, यहाँ पे गेलेजेक जमान है तो यहाँ पे भी गेलेजेक जमान, ठीक। तो इसमें हमने क्या किया, फिर उसको इसको ट्रांसलेट करते हुए हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सेवगी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही है। और जिस तरह से ये बात है, इसके अंदर हिडन ये है कि वो खुद को तैयार कर रही है, ठीक। उसके बाद सरहात ओ कुलदान बशारे इला मेजून ओलुंजा, सरहात जो है वो स्कूल से कामयाबी के साथ ग्रेजुएट होते ही कैंदी ने ओवदू, उसने खुद के ऊपर तकब्बुर किया या खुद के ऊपर फख्र किया या शेखी मारी कि मैं कामयाब हो गया हूँ, मैं ऐसे हो गया हूँ, ठीक है। और सर, इस मैं एक चीज बात पूछ सर सकती हूँ? जी अच्छा, जी जी बोलें बोलें। ये सर आप सेवगी इश्क रुश्म से छिन खेदनी हाजिर लियो, ठीक है। इसके एक मानी तो आपने जो बताया हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं इसे पढ़ती हूँ मुझे इसके मानी ये भी एक समझ आता है कि जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही है। अगर के ये लिए खुद को मीनिंग तैयार कर रही है, के लिए नहीं, खुद को तैयार कर रही है, और नीचे वाले में के लिए तैयार हो रही है, बिल्कुल के लिए इचिन जो है वो के लिए इस्तेमाल होता जी, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, एक होता ना आप कहीं जाने के लिए तैयार होते हो, फिजिकली अपने आप को रेडी करते हो, है। ये इस मानी में आ रहा है या उस तरह आ रहा है कि मतलब कि वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही है? मेनली तो यहाँ पे इंटरव्यू का ही नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर वो चीज नहीं है कि जो नीचे आके पढ़ेंगे आप सुसले मैक, उसके लिए वो वाली जो तैयारी है ना कि जाने के जी वक्त जी जो तैयारी होती है उसके लिए सुसले मैक होता है, ठीक है, मतलब ठीक मेकअप वगैरह करना, ड्रेस अप होना, ठीक है, वो उसके लिए ठीक है, सिर्फ सुसले मैक है। ये वाली खास तौर पे टेक्निकली आप कह सकते हैं कि इसके अंदर वो टेक्निकल तैयारी की बात कर रहे हैं, प्रिपेयर करिए मतलब प्रिपेयर क्या कर रहे जॉब हैं। इंटरव्यू। ठीक है, जजाकल्ला। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि उसने खुद पे तकबर किया कामयाबी के साथ। अब कैंदी ने, जब हमने दोनुश्लू फील लगा दी तो कैंदी ने लफज जो है वो खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद है बीर आए सोनरा खेंदी लेरी ने येनी एव लेरी ने तशया जकलार, का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो अपने आप को 1 महीने बाद वो खुद को नए अपने नए घरों के अंदर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मुंतकिल करेंगे, कैरी करेंगे के मानी में। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे लास्ट लेटर तश मक है ये फील, इसमें लास्ट लेटर अ ऑलरेडी आ रहा है, इस चीज़ को आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं अगर आपको गेलेजिक जमान
ज़ेन में हो, तो हमने अजक एजक लगाने से पहले ये उस सूरत में लगाते थे जब हमारे पास पीछे फील का लास्ट लेटर, जैसे आरा या जकलार, आरा मक फील का लास्ट लेटर वॉवल है ना, उसमें ये बफर लेटर आरा या जक लार। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट लेटर वॉवल, मैंने यहाँ पे बात की थी आ ए या वॉवल हो तो ने ही लगाएंगे। हमने क्या किया, बी राय सोनरा येनी एवलेरी ने थशना खेंदी लेरी ने को ख़त्म कर दिया। 1 महीने बाद अपने नए घरों में शिफ्ट होंगे, वो मूव हो जाएंगे, मूव होने के मानी में, वो खुद को मूव कर लेंगे के मानी में, लेकिन खुद का लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पीर आए सोनरा येनी एवलेरी ने थशना जकलार, उसमें वो ऑब्वियस है कि वो खुद को करेंगे, कोई उनको आके शिफ्ट नहीं करेगा, वो खुद को एक अपने नए घर के अंदर शिफ्ट कर लेंगे, मूव कर लेंगे। ठीक है जी, साथ है अभी तक जी हमारी सर, पिछली जी क्लास के सर, लोग, हमारी पिछली क्लास के लोग सारे कोई नहीं आए आज क्लास में। देखते हैं, अब्दुल्ला के वालिद तो कल कह रहे थे वो क्लास में आएगा, लेकिन आया नहीं है। सर चलें इसको खैर, एक दफा और एक्सप्लेन कर लें। किस चीज़ को? ये जो फील्स में सर, ये के मतलब कोई फी जब जैसे कोई भी फील आता है तो उसमें हम जो आप कैसे बता चेंज रहे थे करते हैं, मतलब झांक कैसे कर चेंज करते हैं? जी। पहले तो ये है कि दोनुष्लु फील है क्या। दोनुष्लु फील ये है कि काम करने वाला भी बंदा वही है और उससे इफेक्ट होने वाला भी वही है, ठीक है सर। तो उसके लिए दोनुष्लु फील है। अब दोनुष्लु फील के अंदर जो है, फील के साथ या फोर वे वॉवल हार्मनी के साथ ने लगाना है या ले लगाना है। अब अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो फिर फोर वे वॉवल हार्मनी का इस्तेमाल करते हुए हम ने या ले लगाएंगे, और अगर लास्ट लेटर आ ए होगा खास तौर पे, और वॉवल कोई भी हो सकता है, तो उस सूरत में, और आ ए जिस तरह हमने शिंदी की जबान के अंदर पढ़ा था ना, आ ए और उसके बाद अ ई और उ और ऊ, अ और ओ को नहीं पढ़ा था, वहां पे भी नहीं पढ़ा था, और यहाँ पे भी वही चीज है कि ये वाले दो वॉवल किसी भी फील के एंड पे आते ही नहीं है। उसके बाद बचे छः, इन चार में से कोई आ जाए तो भी ने लगाना है, और इन दो में से कोई आ जाए तो भी ने ही लगाना है, खाली ने। और उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे अभी तक हमने हाजरला मार्क के अंदर आ वाली एग्जाम्पल देख ली है, और जो ताश मार्क के अंदर अ वाली एग्जाम्पल देख ली है। ठीक, और हाँ जब हम जनरल बात कर रहे होते हैं तो नुश्लू को नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, तो कैंदी ने या कैंदी लेरी ने का इस्तेमाल करते हैं, और जब दोनुश्लू में उसको बात करते हैं उसी बात को, तो कैंदी ने को ख़त्म करके ये वाला स्ट्रक्चर फील के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हाजर लमक था तो उसके साथ ने लगा दिया, ओव ओव मैक था, यहाँ पे जो फील है वो ओव मैक है, तो ओवमैक का लास्ट लेटर जो है वो वे है। ठीक, अब वे के बाद जो है वो हमने ये ओवुल्दू के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ओवुंदू के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक, अब इसके अंदर हम फर्क कैसे करेंगे कि कहाँ पे ओवुंदू होगा और कहाँ पे ओवुल्दू होगा। ओवुंदू है कि जब आप खुद पे खुद फख्र कर रहे हों, वहां पे आप ओवुंदू को इस्तेमाल कर लेंगे, और जब आपके ऊपर कोई किसी वजह से फख्र कर रहा है, आप पे कोई फख्र कर रहा है, उस सूरत में ओवुल्दू कर लेंगे ले से। लेकिन ये चीज, ये रूल नहीं है कि हमने जो है वो ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई दूसरे की तरफ से इफेक्ट हो रहा हो तो उस सूरत में जो है वो ले लगाएंगे। ले और ने डिसाइड करने का कोई रूल नहीं बताया हुआ किसी भी जगह पे इन्होंने। मैंने आज कुछ यूट्यूब पे लेक्चर्स भी देखे हैं और वेबसाइट्स भी विजिट की हैं, यहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं की हुई।
कि हमने ले और ने में से डिसाइड कैसे करना है कि जो है ले लगाना है या ने लगाना है। जब हम ए दिलगैन में जाएंगे ना, वहां पे उन्होंने बताया हुआ है कि ले कहाँ पे लगाना है, ने कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे ऐसी बात कोई नहीं लिखी हुई। तो सर ये जो दूसरा वाला जो है ये या के मायनों में ना कि ए और ने और ए और ले, तो ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होंगे या अलग अलग इनकी कंपोजिशन होगी? वही ये अलग अलग इस्तेमाल और का है ना, बीच में से एक जी जी इस्तेमाल होगा। हाँ जी, तो हाँ ये जी दूसरा वाला यहाँ कहीं ऑर्नेक में इन्होंने बताया नहीं इसका इस्तेमाल। है, यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे है। अच्छा ठीक, यहाँ पे देखना है तो ये यहाँ पे है, चेकिलिर लिखा हुआ है, चेकिल चेक मैक फील है ना, उसके जी साथ वॉवल हार्मनी की बेस पे चेकिल और आगे गेनिस जमान लगाया, चेकिलिर। ये नोट भी पढ़ लेते हैं, दोनुश्लु फील दुआ ओ लाए लारे इचिन कुलनल द जमान जुमले ये खेंदी खेंदी ने ओलमा अनलाम वेरिर। यानी खुद से जब नेचुरल इवेंट्स की बात हम करेंगे, हमने सेकंड लेवल के अंदर I1 के अंदर नेचुरल इवेंट्स कुछ पढ़े थे, उनकी जब हम बात करेंगे तो उस सूरत में उसके अंदर जब हम ये दोनों श्लोक का इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब क्या होगा, खुद से हो जाना। कहंदी कहंदी ने ओलमा, खुद से हो जाना उसके अंदर कोई मतलब, जैसे हमने कहा ना कि यहाँ पे कहंदी ने हाजर ली और तो उसको हाजर लानी और कर दिया, उसी तरह यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर की बजाय खुद ब खुद हो जाना। कोयू मुजदेकी देरे निन सोयू सुयू याज मेविसिम लेरिंदे चेकेलेर। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि मौसमे गर्मा के अंदर उसमें वो पानी आ जाता है, और वो आ जाने की वजह क्या है, उसको कहंदी कहंदी ने ओलमा हम कह रहे हैं, का मतलब ये है कि उसके अंदर को ह्यूमन नहीं इन्वॉल्व, ह्यूमन वो भी आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली ह्यूमन भी इन्वॉल्व है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उतनी ज़्यादा स्नो मेल्ट होती है, और जितनी ज़्यादा स्नो मेल्ट होगी उतने ज़्यादा जो है वो जो दरिया हैं समंदर हैं उसमें पानी आएगा। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर देरे कहते हैं नाले को, नाला टाइप उसको कहते हैं देरे, हमारे यहाँ दरिया होता है ना, तो ये दरिया को नहर बोलते हैं, और जो छोटे नाले टाइप या छोटी नहर टाइप होते हैं उसको ये देरे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मौसम गर्मा जब आता है तो उसमें पानी आना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद से आना शुरू हो जाता है, और उसमें खुद ब खुद से आना का मतलब ये है कि वो कुदरती चूंकि प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, हीट ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर से पानी आना शुरू हो जाएगा, स्नो मेल्ट होगी तो पानी आना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली जाहिर है। जी यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चले सॉरी, इसका हमें लेना चाहिए स्क्रीनशॉट। आप लोग अपने तौर पे भी ले सकते हैं। अब मैं रेज करता हूँ। अच्छा जी, हम इसमें अब अशाद के जुमले ले रही और निकलार देखेगी भी तकरार या जालम, चेंज क्या होगा, सुसली हो, उस लेनी और सुसली हो, सुसलैनी और होगा सकलांगी एंदिनी चोजुक आराबानन आरकासना साकलांद। गोकचे यारन की योलजुलुक इछिन हाजर लानी और हाजिर लानी हो।
सर साथ में फील भी लिख देना तो। फील भी लिख दें मतलब, अच्छा सही है, ये सुस्लेमैक है, ये साकलामक है, और ये हाजरलामक है। अच्छा जी, आर्कदाशम बैकलेर कैन वितेरिन लेरे नाम बाकार, वितेरिन शो के इसको बोलते हैं, बाकारक केंदी में। ओया यहाँ पे लांदम क्या कहेंगे, ओया लांदम, ओया लांदम तो यहाँ पे लिखना है हमने, ओया लामक कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ओया लांदम कहेंगे, यहाँ पे खेसेले मैक। सफल खेसेले मैक का मीनिंग क्या है? इसने ये जो उन्होंने अपने आप को सर हम आम में साफ जो वो करना, होता ना स्क्रब करना अपने आप को, रगड़ना, कैसल रगड़ के अपने आप, कैसल लें लेंदी हो जाएगा कैसे क्या, लेंदी लहर। कैसे लेंदी हो जाएगा गिला गिला लेंदी लहर। अच्छा जी, यहाँ पे दो जगह पे हो सकता है, या तो आप कैंदी म्यूजिक को खत्म करेंगे यहाँ पे, या तो कोरुन्मक, आप कोरुन्मक से कोरुन्मक कर सकते हैं, और या जो है वो यहाँ पे तुरुन मेली यूज कर सकते हैं। तुरुन मेली यूज, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक जगह पे करेंगे, दोनों नहीं करना। यहाँ पे अगेन हाजर लानमक है, हाजर लानमश, लैंग्वेज कैंदी ने खत्म करेंगे, हाजर लानमश करेंगे। उसके बाद डॉक्टर बिराज किलो वेरमेन इज लाजम बोनो निचिन खेंदी निजे, खेंदी निजे को खत्म करके देंगेली बेसलैन मेलिसिनिस, बेसलैन मेलिसिनिस। अच्छा जी, कशनियों कुत्ते दुलम अच्छा, दुर्मदान लेकिन इस कहते पूरे जुमले का मानी भी कोई काट दे, ऊपर डॉक्टर वाले बिराज का, किलो बार में और दूसरा ये एक और का मानी होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा खैर, अभी करते हैं। ये खोपेक तो सर दुर्मदान खेंदी ने, खेंदी ने कशनी, और ये कश मकफील है, यहाँ पे लास्ट पे वॉवल खुद ब खुद आ रहा है, कश मक है, तो उसको खुजाना हुआ ना कशनी हो। दूध को जो खुजाना हुआ हाँ, खारिज करना। बारिश और लास्ट वन के अंदर क्या होगा, सनावदान खुतुपान खपांदे अलंजा महमेद, खेंदी ने को खत्म करके हैवे खपांद। ठीक, सर इसका कपान मार के सर खापा इसका मक, फिर खापा कपा मक। मार यहाँ पे ओया लमक किस मानी में आएगा? सर ये रुक जाना या मैं लेट गया या बिल्कुल, फिर
इंतजार किया के मानी में भी कह सकते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे किसी चीज का आपने पूछना हो, यहाँ पे लास्ट लेटर ए था, यहाँ पे आ था, यहाँ पे भी आ था, यहाँ पे भी आ था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे कोरोमा के अंदर लास्ट लेटर ऊ था, और सुरमेख के अंदर जो है वो लास्ट लेटर रे था। ठीक है, उसके अंदर फोर वे वॉवल हार्मनी के साथ जो है वो ने लगा है, सुरुनमेक। उसके बाद बेस्लेमेक है फील, उसके अंदर भी लास्ट लेटर वॉवल है, और खशमक लिखा हुआ है, खपमक, खपमक। सर ये ओयालमक के क्या मायने? रुक जाना कह सकते हैं। आर्कदाशमा बेक्लेर कैन वितरिन लेरे, वितरिन लेर कहते हैं शो केसेस को, मार्केट के नुमाइश अंदर जो होते हैं बकारक, उनको शो केसेस को देखते हुए मैं रुक गया या मैंने उसका इंतजार किया। ठीक है जी, यहां तक। जी सर। परेशान परेशान कुन ग्रामर है, ये ज्यादा आसान है, सर ये तो फिर प्रैक्टिस से आती जाती है ना, जैसे आ जैसे हम जाती जुमले है पढ़ेंगे ऐसे ऐसे आता जाता है। ऐसे ही है। मगर सर मैंने पढ़ा है इसका थोड़ा सा कि ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। हाँ जी, अगर आप देखें तो इसको जरूरी नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें ही करें, ऐसे ही है, और हर जी सर और हर वर्ब के साथ इस्तेमाल भी नहीं होता ये, हर ऐसे ही चीजों के है। साथ। ये बात ऊपर लिखी हुई है, मतलब मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जरूरी नहीं है कि हर फील के साथ इस्तेमाल की जाए, और ये जरूरी नहीं है कि किसी फील के अंदर जैसे इस तरह का लगा हो तो उसका मतलब यही होगा कि वो दोनुष्टु फील है, जैसे गेजिनमेक। ठीक है, और जैसे गोरुन में, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो है वो दोनुष्टु फील ही है, ये चीज भी है। दो बातें हैं, एक ये कि हर फील के साथ लग नहीं सकती, दूसरी जे ये है कि जरूरी नहीं है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, और बाज़ औक़ात फील का एक कंपलसरी पार्ट हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो दोनुष्टु फील ही हो। आगे चलें, जी सर। ये आप लोग करेंगे, किसको किसके साथ मिलाना है और उसके साथ जो है वो क्या लगाएंगे, लास्ट लेटर को देखते हुए करूं फौरन करेंगे। चलें बता दें फिर, आज आजन सप्लान आरकासना, भी बिल्कुल। दे उद्बोजु बोलजू माश्ता दुशेरक, गिरते हुए माश्ता उसने क्या किया, सकत लांदी तकत लांदे, डिसेबल हो गया वो। आगे लास्ट लेटर देखते जाइएगा, जी हाजर लांदे, बिल्कुल पे जैदा हाजर लांदे। इसका कुचुक किस आयनन कार्श संदा सात लहजे आ सुसलैंदी, कई घंटों तक उसने मेकअप किया के माने में ले सकते हैं इसको। आगे अन्य योरुल्दु, योमशागे,
योरुल्दू, यहाँ पे लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट था तो योरुल्दू फोर वे वॉवल हारमनी के बेस पे। हवा चोक हवा सोक, चोक सोक कलिन मौसम बहुत ठंडा है कलन। गीन 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 जे गीन जे नहीं क्या कलिन कहेंगे, आएगा ना जे गीन जे तो आएगा वो तो गीन ठीक है, लेकिन गीन मतलब पहनो हमने ऑर्डर नहीं लगाना ना, असल में जुमला हमने तो धनुष टू ऐसे क्रिया ही है लगानी है। हवा चौक तो कलिन गिल्दी, उसने पहना ठीक पहने, हाँ उसने पहने पहना, या कह सकते हैं गिल्दिम, मैंने पहना। आगे लगता है एन यकीन एकादश में डोम डोम ने गिरे मैं दिन बिल्कुल इचिन चौक उजुल गए गिरे में तीन दिन चिन्ह जो है वो चौक उजुल उजुलदुम। आगे तनिज नैंदी केंदी, कैदी खेदी मामा से ना ये देखते हैं, यानी वो अपना खाना खाने के बाद अपने जो सोना उसके क्या होते हैं, क्या कहते हैं थूल लहरे को, बाल जो उसके होते हैं खाल के ऊपर वाले, उनको तनिस या लाया रख ई जे, या लाया रख का मतलब क्या होता है, चाटते हुए। तो उसने क्या किया, साफ अच्छे से किया साफ किया। अन्नेम बेनिम ले हैर जमान, तनिस यहाँ पे ओबुल्दू, मेरे साथ या मेरे वाले से फखर करना इस सेंस में। आदामन आयात कल दे, उस आदमी का पांव अटक गया। वे बी देन बेरी सरिंदी येरे, लास्ट यहाँ पे वाला तमिलदेंदी भी करना था हमने, और यहाँ पे सेरिल्दी का मतलब सरिंदी गिर जाना, जमीन पे लेट जाना, गिर जाना के मानी में यहाँ पे है आएगा। ठीक है जी, अगर आप नोट करें तो जहाँ पे आ ए है वहाँ पे हमने ने लगाया है, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहाँ पे सब जगह पे हमने ऊ और यानी अ के साथ ले लगाया है यहाँ पे। ठीक, आगे चलें। क्लास वही तो मैं आज नोट कर रहा हूँ कि क्लास को लगता है कि समझ नहीं आई टॉपिक। किस पर रोजा रखा है सबने वैसे मैंने वीडियोस भी देखी हैं, इससे ज्यादा उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं नहीं बताया। बताया तो मैंने भी देखी यूनुस एमरे की वीडियोस मैंने देखी हैं, उसके अलावा भी एक दो बंदों की वीडियो देखी हैं, वेबसाइट्स देखी हैं, उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की हुई। जो की होती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता। अगर मेरे एक्सप्लेन करने में कोई कमी है तो आप सवाल करके उसको निकाल सकते हैं। या प्रैक्टिस करेंगे पहले फिर सवाल करेंगे। चलें ठीक है। प्रैक्टिस कर लेते हैं सर, प्रैक्टिस से ही कुछ आएगा। हाँ जी, चलें मैं ऑडियो चलाता हूँ। आप लोगों ने इस ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन करना तो बहरहाल है हमने। मैं चलाता हूँ इसको, और चार सवालों के आपने जवाब देने हैं। B2 की ऑडियो नहीं थी मैंने पास। ओहो मैंने ग्रुप में दिया है ना सर। हाँ, B2 की मेरे पास होनी तो चाहिए थी, वैसे किधर गई। मैंने अभी ग्रुप में इसका फर्स्ट वाला ये वाला दे दिया। हाँ मैं चलें फिर आज के लिए उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, मेरे पास होनी तो चाहिए थी वैसे। चलें इस दौरान जो है वो आप इसको अपने तौर पे पढ़ लें कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, हमने किस सवाल का जवाब तलाश करना है ऑडियो के अंदर। उतनी देर में इसको अपने तौर पे समझने की कोशिश करें।
डाउनलोड। बेकी बीर बीरा कर लेते हैं। अच्छा जी चलें जी, चल गया। Alman çift Türkiye'ye bağlandı. Alman Hemberger ailesi seyahat etmeyi çok seviyor. 25 yılda 42 ülke gezmiş ve Türkiye'yi gördükten sonra başka bir ülkeye tatile gitmemişler. Emekli öğretmen Dietmar Hemberger bunu şöyle anlatıyor. 25 yıl boyunca eşim ve 3 çocuğumla birlikte 42 ülke gezdik. 2001 yılında İstanbul'a geldik. Türkiye'ye ve Anadolu insanının sıcakkanlılığıyla misafirperverliğine hayran kaldık. Bir daha başka bir ülkeye gitmek istemedik. 9 yıldır Türkiye'yi geziyoruz. Gezilerimizde yüzlerce Türk arkadaş edindik. Onlar sayesinde Türkiye'de tatil yaparken sanki Berlin'deki evimizdeymişiz gibi rahat ve huzurluyuz. Ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa hemen yardımımıza koşuyorlar. Dietmar Hemberger'in eşi Clementi Hemberger ise çok ülke gezdik ama Anadolu insanının misafirperverliği ve içten olması sebebiyle yalnızca Türkiye'ye bağlandık. İleride ailece Rize'ye taşınmayı düşünüyoruz, diyor ve ekliyor. 2001 yılından 2010 yılına kadar Türkiye'de 53 yer gezdik. Yaklaşık bir ay sonra da eşimle bir Anadolu turuna katılacağız. Bu turda Konya, Isparta, Bitlis, Rize, Bodrum, Burdur, Afyonkarahisar, Manavgat, Alanya ve Finike'yi gezeceğiz. Ayrıca Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan bir kitap yazmaya hazırlanıyoruz. Böylece Türkiye'yi başkalarına da tanıtmak istiyoruz. नया चलेगी। चले मैं दोबारा चला रहा हूँ, इसको दोबारा सुन लें, कोशिश करें जवाब निकलें। Alman çift Türkiye'ye bağlandı. Alman Hemberger ailesi seyahat etmeyi çok seviyor. 25 yılda 42 ülke gezmiş ve Türkiye'yi gördükten sonra başka bir ülkeye tatile gitmemişler. Emekli öğretmen Dietmar Hemberger bunu şöyle anlatıyor. 25 yıl boyunca eşim ve 3 çocuğumla birlikte 42 ülke gezdik. 2001 yılında İstanbul'a geldik. Türkiye'ye ve Anadolu insanının sıcakkanlılığıyla misafirperverliğine hayran kaldık. Bir daha başka bir ülkeye gitmek istemedik. 9 yıldır Türkiye'yi geziyoruz. Gezilerimizde yüzlerce Türk arkadaş edindik. Onlar sayesinde Türkiye'de tatil yaparken sanki Berlin'deki evimizdeymişiz gibi rahat ve huzurluyuz. Ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa hemen yardımımıza koşuyorlar. Dietmar Hemberger'in eşi Clementi Hemberger ise çok ülke gezdik ama Anadolu insanının misafirperverliği ve içten olması sebebiyle yalnızca Türkiye'ye bağlandık. İleride ailece Rize'ye taşınmayı düşünüyoruz, diyor ve ekliyor. 2001 yılından 2010 yılına kadar Türkiye'de 53 yer gezdik. Yaklaşık bir ay sonra da eşimle bir Anadolu turuna katılacağız. Bu turda Konya, Isparta, Bitlis, Rize, Bodrum, Burdur, Afyonkarahisar, Manavgat, Alanya ve Finike'yi gezeceğiz. Ayrıca Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan bir kitap yazmaya hazırlanıyoruz. Böylece Türkiye'yi başkalarına da tanıtmak istiyoruz. दोबारा ज्वाइन करें, फिर इनके सवालों के जवाब की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं।